अपना अयोध्या धाम स्वर्ग की भांति सुंदर धाम 22 जनवरी 2024 को पवित्र पावन राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। सभी भारतवर्ष के प्रभु श्री राम जी के भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुँचे। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें अयोध्या धाम। इस वक्त सुंदर धाम बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अयोध्या धाम, जी हां, 30 दिसंबर 2023 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के हाथों से यह उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे अयोध्या धाम तेज गति से विकास चारों तरफ हो रहा है, सुख सुविधाओं से लैस हो रहा है और खूबसूरत सुंदर नगरी अयोध्या धाम को बनाया जा रहा है। सभी प्रभु श्री राम जी के भक्त एवं श्रद्धालुओं के लिए हर तरह से सुख सुविधा मिले इसे, जैसे कि सड़क, रोड, हवाई आदि, रेलवे, बस आदि की भी खास सुविधा या मुहैया, तेज गति से कार्य किया जा रहा है। यात्रा की सुविधाओं, आवागमन के लिए भक्तों को चारों तरफ से इनके लिए दरवाजे यात्रा के लिए खोल दिया गया है, जैसा कि रेलगाड़ी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हाईवे और एक्सप्रेसवे आदि, या सभी जगहों से आने का सुख सुविधाएँ। हर राज्य से ट्रेन चलाया जा रहा है और हर राज्य से आपको हवाई यात्रा सुख सुविधाएँ मिलेगी। या सीधी सड़क है जहां आप देख सकते हैं, चाहे रेल से आप प्रभु श्री राम जी के भक्त आएँ या हवाई मार्ग से आएँ या जो है एक्सप्रेस द्वारा आएँ, हर तरह की सुख सुविधाओं का आप जो है नज़ारा और पर्यटन आराम से देख सकते हैं। जहां आप तो बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन, शहर तीर्थ स्थलों को सजाना और संवारना या तेज गति से चल रही है। एयरपोर्ट की उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें कि आओ जाने कि सभी अयोध्यावासी कितना खुशी मनाते हैं। खास रिपोर्टिंग आज सुबह टाइम्स एयरपोर्ट से। स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? आपका एयरपोर्ट बन रहा है अयोध्या नगरी, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, अयोध्या के हम निवासी हैं और यही एयरपोर्ट के पास, मेरा नाम नितिन पांडे है और मेरा घर यही एयरपोर्ट के पास में है। हम लोग जब से एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ तब से लगातार एयरपोर्ट के पास आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत तेज काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समस्त देश में, लगातार विकास के जितने तेज काम चल रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सड़कें हो, जो भी जितनी भी तेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास हो रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है और उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन। और हम सभी यहाँ के अयोध्यावासी, स्थानीय निवासी, यह कहना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने 2024 में, प्रचंड बहुमत से जीतें और लगातार विकास की ऐसी गाथा लिखते रहें और माँ भारती का नाम रोशन करते रहें। पांडे जी, 30 दिसंबर 2023 को लास्ट वर्ष है और देश प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है इससे पहले पधार रहे हैं एयरपोर्ट उद्घाटन, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना देखिए, हम लोग को ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना तेज इस एयरपोर्ट के लिए विकास का काम करने के लिए इतना तेज यहां पे दबाव बनाकर लगातार कि कितना जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट चालू हो जाए और 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने राज महल में विराजमान होंगे, उसके पहले यहाँ से हवाई जहाज उड़ने लगे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट मतलब निर्देश देके कि हाँ जल्दी जल्दी यहाँ पर एयरपोर्ट जो है चालू हो जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा कुशल नेतृत्व है देश का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने ही ऊर्जावान हमेशा ऐसे रहें और लगातार ऐसे काम करते रहें देश के लिए,
यही भगवान श्री राम से हम उनके लिए कामना करते हैं। देशवासियों को कुछ ना कुछ कामना देना चाहते हैं, दो दो काम एक साथ हो रहा है, तो एयरपोर्ट पुराने साल में जो उद्घाटन है और नए साल में अब जो है प्रभु श्री राम जी की जो है भव्य मंदिर का पहला आरती देश प्रधानमंत्री करेंगे, कितना आप देखिए। सबसे पहले तो हम जो बताना चाहते हैं, हम लोग अयोध्या के निवासी हैं और अयोध्या के निवासियों को इससे बड़ी खुशी कभी मिल नहीं सकती। जो खुशी आज मिल रही है, हमारे बाप दादाओं ने वो खुशी नहीं देखी है। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग की पीढ़ी में ऐसा काम हो रहा है। बहुत सी पीढ़ियां गुजर गईं, बहुत लोग आए चले गए, लेकिन यह सौभाग्य किसी को नहीं मिला। बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भगवान श्री राम की कृपा है। 600 वर्ष, हजारों साल कह लीजिए, हजारों वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ आई होंगी, चली गई होंगी, लेकिन किसी ने यह सौभाग्य नहीं पाया। हम लोग का यह सौभाग्य है और यह सौभाग्य मैं मानता हूँ कि पूरे देश की समस्त सम्मानित जनता का, यहाँ के सम्मानित निवासियों का है, जिन्होंने अपने एक एक वोट को, अमूल्य कीमती वोट को, भाजपा को वोट दिया, कमल के फूल को वोट दिया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो हम सभी सम्मानित जनता का भी योगदान और जो योगदान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है वो तो है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देखिए, हम बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि और अब जो है आपकी अयोध्या नगरी में भव्य जो है समारोह होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। आपने जो पूछा भी मुझे, जो है मैं आपको बताऊं, इसके पहले अयोध्या में जब श्री राम जी का मंदिर नहीं बन रहा था तो यहाँ पर रोजगार की कितनी जो है कमी थी। अब जो लोग, कुछ लोग विपक्षी ये कहते हैं कि जो है यहाँ पर रोजगार नहीं है या यहाँ पर जो है मंदिर बन रहा है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सबसे बड़ा काम हो रहा है और रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने लोग यहाँ से जीवन यापन करेंगे, कितने लोगों का परिवार चलेगा, कितने लोग जो है अयोध्या का नाम आप कहीं भी पूछेंगे, अयोध्या का नाम पूरी दुनिया में है। जी, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं जब बोलते हैं अयोध्या। जी, कहते हैं कि आप खुद जो है प्रभु जी जी इतना स्वागत होता है और जो है चाय पानी नाश्ता भी करते हैं, लगता है देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन चरित्र है, जो उनके आदर्श हैं, जो मर्यादा उनके सामने लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि उनका सभी जातियों में सम्मान है, उनका सभी धर्मों में सम्मान है, उनको दुनिया का हर व्यक्ति मानने वाला है। उनका जो पूरा जीवन चरित्र अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन चरित्र से, उनके आदर्शों से हम लोग सीखते हैं कि कैसे जानवरों को भी उन्होंने अपने साथ लिया, उन्होंने दलितों को भी अपने साथ लिया, उन्होंने पशु पक्षियों को अपने साथ लिया। उनके आदर्श से हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, सबसे पहले कि हिंदू धर्म में हम लोगों को जन्म मिला और हिंदू धर्म के बाद हम लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं, हम लोग उनके समझ लीजिए बेटे के स्वरूप हैं। तो यह भगवान श्री राम की कृपा ही है और हम चाहते हैं कि जब जब इस धरती पर जन्म मिले भगवान श्री राम के वंशज के रूप में मिले, हिंदू धर्म मिले, यही हम लोगों की मनोकामना भगवान श्री राम से है। उनके चरणों में हम लोगों का हमेशा आशीर्वाद उनका हम लोगों का बना, हम लोगों के ऊपर बने रहे। देखिए हम ये कह, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हम यहाँ अयोध्या के निवासी हैं तो जहाँ तक हमारी बात पहुँच पाए आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं यही कहना चाहूँगा कि अयोध्या आप लोग आइए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को आत्मसात कीजिए। यहाँ के जो विकास हो रहे हैं, जो इतना अच्छा काम हो रहा है, यहाँ के लोग हैं, उनसे मिलकर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करिए, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो किए गए कार्य हैं, उनसे कुछ सीखिए और भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकिए। और विपक्षी जो हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, जितने भी विपक्षी हैं जो कहते हैं सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो आएँ, अयोध्या ज़रूर आएँ और उनको आना पड़ेगा, बिना आए उनका कल्याण नहीं होने वाला है, उनको अयोध्या आना ही पड़ेगा। अगर उनको नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।